सो आज हम आए हैं हेमकुंड साहिब दरबार गुरुद्वारा, जो कि ऋषिकेश में एक ही गुरुद्वारा है। तो आज हम आपको यहाँ का दिखाते हैं क्या क्या है गुरुद्वारा में, उसका दरबार दिखाएंगे हम आपको, वहाँ का म्यूजियम के बारे में बताएंगे। चलते हैं, चलो। चलो आज हम यहाँ भी घूम आते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। हम म्यूजियम में हम वो वहां पर आए। एक्चुअली हमें पता नहीं है यहाँ सिखों का कि क्या इनका ये सब जो इन्होंने म्यूजियम में बनाया है। सो एक बाबा जी हैं हमारे साथ, वो हमें इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। सो जी, आपका नाम क्या है? अच्छा, अच्छा आप उत्तराखंड से? हम भी उत्तराखंड से, हम यहाँ के लोकल, लेकिन हम लोग आते नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो आप हमें बताएंगे यहाँ का ये सब चीजें क्या है? वो तो जब सिख भाग के जंगलों में चले गए, हाँ जी, वहाँ की साइड के, तो ये अंकल हमें यहाँ की साइड का बता रहे हैं, जो मैंने आपको बताया ये स्टार्टिंग का। हाँ जी, हम आपको यहाँ से शुरुआत से बताते हैं। सो अंकल हमें बताएंगे यहाँ का म्यूजियम के बारे में कि किस चीज की ये मूर्तियाँ हैं। जब बहुत कम गिनती थी, हाँ जी, सिख भाग के जंगलों में चले गए। हाँ जी, सिख मतलब जंगलों में चले गए। सिखों के सिर का 80 रुपए नाम रख दिया सरकार ने। अच्छा, जो पकड़ के ले आए। अच्छा, मनु मीर का राज था, उन्हें का सिख तो भाग गया, सिख मौके हैं, सिखों के बच्चे मार देते। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर बच्चों को मारा जा रहा है, कैसे मार रखा है, जो है ना। और ये देखिए, ये सब बीबियाँ पहले उसको सवा सौ मान क्यों किसी ने को दी। अच्छा, अब यहाँ पर देख रही हैं कुछ औरतें हैं जो यहाँ पर गेहूँ पीस रही हैं। हाँ जी, इसको कहने का मुसलमान बन जाओ, तुम सिखों को हरकी मत रहो। अच्छा अच्छा, हैं? हाँ जी, ये कहने की नहीं, ऐसे नहीं, हम धर्म अपने प्यारा रहेगा, अपना धर्म अपना है, एक ही जलाया है। हाँ जी, फिर उनका बच्चा कार किसी गले में डाला, गले में डाल दिया, गले में डाला। अच्छा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने क्या है, बच्चा काट के जो है कि गले में डाल दिया, वो बच्चा खा के वो बच्चा बल में टांग रखा है। हाँ, वो क्या है कि उस बच्चे को उसने मारा रखा है, और उस बच्चे को तलवार से मारा हुआ है, और ये बच्चे को क्या काट कूट के धर्म का झंझू उसने लगा ना। हाँ जी, औरंगजेब बादशाह हिंदुओं को झंझू जब ये झंझू उतार रहा, हिंदू घोड़ी में नहीं चढ़ सकता, हिंदू पक्का मकान नहीं बना सकता, हिंदू सिर में पाग नहीं बन सकता, हिंदू डोर नहीं बिछा सकता, घोड़ी में नहीं चढ़ सकता, तो हिंदू को फिर झंझू उतारने चालू कर दिया। तो जो हिंदू झंझू उतार के मुसलमान हो जाएगा, बचेगा नहीं, नहीं बचेगा। हिंदू भागते भागते डर के हमारे हिंदू आनंदपुर गए गुरु नानक के घर में। अच्छा, उस पर नामा गुरु नानक का तेग बहादुर, 16 हिंदू गए मैंने यहाँ से कश्मीर से, फिर ये खेतों में भागे भागते गए गुरु महाराज को, कहने के गुरु महाराज हमारा धर्म चाहो। हाँ जी, गुरु महाराज बोला तुम लंगर छको, हाँ शाम पड़ी है, हाँ बेहतर लेके सो, हाँ मैं सुबह तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं सिर दूंगा तुम्हारा धर्म का। अच्छा, ये तीन सिख साथ में आए हैं। हाँ जी, ये दोनों भाई भाई हैं,
ये दोनों भाई भाई, ये मती दास है वो सती दास है। अच्छा हाँ जी, मैंने जिसको मुसलमान कह रहे हैं तुम हिंदू को पीछे क्यों अपना सिर कुर्बान कर रहे हो, हैं? मैं गुरु टेक बात के साथ में आया हुए तीनों जी। वो भाई ज्याला सिंह है जिसका मानता है तीनों सिर डर जाएंगे तो गुरु तेग बहादुर भी डर जाएगा, तो हिंदुओं के पीछे अपना सिर नहीं देगा। ये तीनों की कुर्बानी होगी, गुरु महाराज की कुर्बानी बाद हुई है खपता। अच्छा, मतलब वो सीन यहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा, वो सीन यहाँ नहीं है जो हुआ है। सो अभी अंकल बता रहे हैं, अब जैसे कि ये है जो दो व्हील में ये आदमी को फंसा रहा है, ये था नजायज, दोनों बाप बेटा है ये। अच्छा, ये दोनों बाप बेटे, बाप बेटा जैसे कि आप देख रहे हो जो दोनों ने व्हील पकड़ी है, ये दोनों बाप बेटे हैं। इसका इनको कोई कसूर नहीं है, इनको सरकार करने की मुसलमान हो जी, इनका कोई कसूर नहीं है। हाँ। इनको मैंने सरकार कहने लगी मुसलमान, इनका कोई कसूर नहीं था, सरकार कहने लगी कि मुसलमान नहीं बने, पहले बच्चे को मार रहे हैं, फिर उसी की तैयारी हो रही है पिता की। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है कि पहले बच्चे को मार दिया गया और फिर यहाँ पर क्या है कि उसके पिता की तैयारी हो रही थी मारने को। और ये फतवा दे रहा है, ये मतलब जो बताता है कि हाँ भाई ऐसे सिखों को इसी कुर्बानी से मारो। अच्छा, ऐसे मारो। फिर ये सिख अपने घर हल के उतरे आए, इसका तारू सिंह नाम है, इसका तारू सिंह है। अच्छा, ये मैंने 24-25 साल का है। अच्छा, एक इसकी 18-19 साल की बहन जवान है। ओ, अच्छा। एक माता जवान है घर में, पिता इसका नहीं है। इसको मुसलमान पकड़ के ले हैं, तुम मुसलमान बन जबरदस्ती धर्म अब वो उसको फुतवा दे रहे हैं, इसको भी है इसको तलवार से मत मारो। इसकी खोबरी का वो खोबरी का भी है, वो पहले हाथ में खोबरी पड़ी हुई पहले। हाँ। देख सकते हैं जैसे कि इनका सर काट दिया गया और ये हाथ में खोपड़ी तारी खोपड़ी। अच्छा, पूरी सर। हाँ, खोपड़ी जो होती है ना, इतना एरिया ये काट दिया गया। ये अमृतसर का ग्रंथी है, सोना मंदिर का। इसको मुसलमान करे तुम सिख धर्म को मुसलमान। अच्छा, सोने मंदिर का ग्रंथी है जो, और मणि सिंह इसका नाम है। अब ये नहीं बन रहा, इसको मुसलमान टोका मार रहा हाथ यहाँ पर रख दिया गया। और ये मुसलमान को कह रहा है कि टोका पहले बजे तू यहाँ से मार तू वहां क्यों मार रहा है। हाँ। अच्छा। देखो बहनी कुर्बानी देखो, वो टोका हैं पर मार रहा है, वो कह रहे पहले यहाँ से मार तो फिर मार। वो से ये जो सिख जंगलों में भागे थे ना, 10,000 सिख फौज अपनी ले गए जंगलों में पीता ने, उसको अमृतसर को आजाद करवाने आ रहा, तो सोना मंदिर को मेरे कपड़े टूटता रहा, इसका सिर कट गया। खुद से काटा या कर दिया? नहीं, मैंने काट गया, जंग में काट गया। अच्छा, जंग में काट गया। 7 घंटे और 7 कोस लड़ा जो बगैर सिर के, 7 घंटे लड़े ही और इनका अपना बगैर सिर के लड़ा बैठी, बिगड़ सर अपने। इसका दीप सिंह का नाम है। जब मुसलमानों ने देखा ना सिख तो बगैर सिर के लड़ी जा रहे हैं, मुसलमान तुम सोने मंदिर का कब्जा छोड़ के भाग गए। ये बहुत सीन है। ये है गुरु गोबिंद सिंह के लाल छोटे। हाँ, ये दो छोटे। जब गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर से आके चमकौर को आके निकले तो नदी नहीं निकली गिनों से। इसके साथ वो इसकी माता है, उनकी माता है, वो किसी के करते करते मुसलमान ने पकड़ लिए। अब इसको मुसलमान करे इसको मुसलमान हो, ये मुसलमान नहीं हो रहे, इसको चलाई में वो इसको फतवा दे रहा है, बता रहे हैं मतलब बंद कर दे। क्या बीजे सिर पर चलेगा अनबर पे जाना आपको। यह है बहन जी हिंदू धर्म बचाया।
तो अंकल ने हमें यहाँ म्यूजियम के बारे में बताया, देख सकते हैं आपकी कितना म्यूजियम जो भी है जी भी। अंकल ने हमें इन सब के बारे में बताया कि उन्होंने जंग लड़ी है ये सब। सो यहाँ पर ये था सिख का म्यूजियम जो हमने आपको बताया, और हमारे साथ अंकल जी थे जो उन्होंने हमको इन सब चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। सो आज हम लोगों ने आपको गुरुद्वारा दिखाया, गुरुद्वारा के म्यूजियम में दिखाया। सो यहाँ क्या है कि आप लोग आ सकते हो, अगर आप दूर दूर से आ रहे हो तो आप आ सकते हो, यहाँ पर बहुत अच्छा है इसकी गुरुद्वारा घूमने के लिए। और यहाँ पर 24 आवर्स आपको लंगर मिलेगा, अगर आप कहीं से आ रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो, आपको गुरुद्वारा सबसे बेस्ट है यहाँ पर लंगर के लिए। यहाँ लंगर भी मिलता है और बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं अगले व्लॉग। हेलो एवरीवन, आप बोल रही हूँ कि दोबारा से व्लॉग डाल रही हूँ, वो भी मैं इसी के साथ ऐड कर लूँ, क्योंकि जो क्या है कि मैंने कल का जो व्लॉग था उसमें क्या है, मैंने आधा आपको गुरुद्वारा दिखाया, पीछे का गुरुद्वारा जो था मेन जो पीछे से काफ़ी सुंदर लग रहा था वो दिख नहीं रहा था क्योंकि रात हो चुकी, तो मैं अब गई तो मैंने ये व्लॉग शूट किया है। सो आप देखो इस व्लॉग को, मछलियाँ भी हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपको दिखता नहीं, मैंने शूट करके देखा।